2022 को नैनीताल पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली, जो किसी व्यक्ति के द्वारा मोबाइल से फ़ोन करके बताया गया कि नैनीताल के विभिन्न स्थानों पर बम विस्फोट होंगे। और उसके बाद जो है फिर पुनः 17 जुलाई 2023 को इस तरह की सूचना फेसबुक मैसेंजर के जरिए किसी व्यक्ति के द्वारा नैनीताल पुलिस मीडिया सेल को प्रेषित की गई है, जिसमें यही कहा गया कि नैनीताल जनपद के विभिन्न जगहों पर जो है बहुत सारे बम विस्फोट होंगे और इसकी जो जिम्मेदारी है वो हिजबुल मुजाहिदीन लेगा। तो इसमें फेसबुक और जो मोबाइल की जो कॉल थी और बाकी जो भी अन्य इसका जीमेल अकाउंट भी था जो फर्जी था, तो सारा उसको ट्रेस करते हुए, उसे देखते हुए और पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हुए, उसमें सर्वप्रथम तो नैनीताल जनपद में मुकदमा दर्ज कराया गया जो 66 FIT एक्ट में पंजीकृत हुआ। और नैनीताल जनपद द्वारा मुख्यालय से अनुरोध करके जो विवेचना थी वो STF साइबर थाना देहरादून को जो है स्थानांतरित कर दी गई थी। और उसके बाद विवेचना के क्रम में जो भी इसमें तकनीकी इनपुट थे और जो मैनुअल भी हमारी टीम ने वहाँ पर 20 दिन जो है आंध्र प्रदेश में इसकी गिरफ्तारी के लिए वहाँ पर प्रयास किया और लगातार वहाँ पर कुछ हमने मुखबिर भी छोड़े, CCTV फुटेज भी हमने वहाँ पर देखे और इस व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी जुटाई, तो ये प्रकाश में आया कि ये नितिन शर्मा है जो कि दिल्ली का रहने वाला है और इसने जो है यहाँ धमकी दी है। इसके बाद नितिन शर्मा के बारे में और भी जानकारी जुटाई गई, तो ये इस तरह का व्यक्ति कि जो जिसने इस्लाम ग्रहण किया और खालिद बताता है अपने आप को, और ये इस तरह से घूमता रहता है आवारा टाइप का और मस्जिदों से जैसे पैसा भी कलेक्शन करता है अपने खाने पीने के लिए और बाकी अन्य चीज़ों के लिए, तो इसने ये धमकी दी थी और फिर इसकी अरेस्टिंग अभी साइबर थाना देहरादून द्वारा की गई। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।